नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। बच्चा पैदा करके उसे नाले में फेंक गई मां, गीता ने नाले से निकालकर नवजात को दी नई जिंदगी। चाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कहते हैं जिसकी रक्षा भगवान कर रहा है उसे मारने वाला कोई नहीं हो सकता। ये कहावत एक नवजात के लिए बिल्कुल ठीक बैठती है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आखिरी सांस ले रहे एक महिला ने एक बच्चे को जिंदगी दी। चेन्नई में आखिरी सांस ले रहे बच्चे को एक महिला ने जिंदगी दी। जानकारी के अनुसार चेन्नई के वल सरकम्मे में रहने वाली गीता को अपने घर के आसपास एक बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। उसने आसपास देखा तो पाया कि आवाज़ नाली में ढके पत्थर के नीचे से आ रही है। पहले तो गीता को लगा शायद कोई जानवर वहां फंस गया है। जब उन्होंने एक फीट चौड़े नाले के पाइप के अंदर हाथ डालकर देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। नाले में कोई जानवर नहीं बल्कि एक नवजात बच्चा था। उसके गले में नाड़ी बंधी थी। गीता ने तुरंत लोगों की मदद से बच्चे को अलग कराया और उसे चेन्नई के एगमोर अस्पताल ले गई। डॉक्टर्स के अनुसार बच्चे की हालत में सुधार है, अब वो ठीक है। गीता ने बताया कि उन्होंने बच्चे का नाम स्वतंत्रम रखा है क्योंकि वो स्वतंत्रता दिवस पर मिला। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है उसे जीने की आज़ादी मिल गई। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख सबकी आँखें नम हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।